लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम बनाएंगे एक ओरिगेमी एनवलप। ओरिगेमी शीट तो आपको पता है, अगर आपके पास ओरिगेमी शीट नहीं है तो आप एक स्क्वायर शीट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने की। मेरी ये ए साइज ए फोर साइज शीट थी, तो मैंने इसे एक स्क्वायर शीट में कन्वर्ट कर दिया है। अब शुरू करते हैं कि एनवलप आप कैसे बनाएंगी। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसे हाफ फोल्ड करना है, क्योंकि हमें अंदाज़ा लगाना है ना कि सब कुछ परफेक्ट हो, सही हो। तो इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए हम बीच में एक लाइन डालेंगे। जब आप लाइन डालेंगे तब हमें इसके किनारों को जोड़ना है। देन पहले हम ये वाला कर लें। हमने एक साइड से दबाया और अच्छे से इक्वली बराबर कर लिया। देन हम अगेन दूसरी तरफ से भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो हमने इस तरफ से भी दबाया और इसे भी बराबर कर लिया। जैसे कि आपने देखा ये कुछ ऐसा बन गया है। उसके बाद हम इस तरफ का जो ये कॉर्नर है इसे उठाएंगे और इस तरफ इस तरह रख कर इसे प्रेस करेंगे। जब आपका इतना बन जाए फिर हम इधर से करेंगे। हम इधर से इसका हाफ लेंगे और देन इसे दबाते हुए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देंगे। फिर दूसरा अगेन दूसरी तरफ से भी हम इसका सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम इसका इधर से भी सेम करेंगे। अब आपने देखा कि ऐसे हो गया है कुछ। तो अब हम जहाँ पे हमारी ये हल्की सी दबी हुई लाइन आ रही है ना, जहाँ से हमने इसे हाफ फोल्ड किया था, हम इसे जो ये वाला शीट है, अब पहले हम इसे इसके कॉर्नर यहाँ तक रख के हम इसे फोल्ड करेंगे। ऐसे एक तरफ से फोल्ड करेंगे, अगेन हम इसे दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे। आपने देखा ना, हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया। देन हम इसे आगे तक ले जाएंगे कि हमें इसे यहाँ तक, एटलीस्ट हमें यहाँ तक इसे लेके आना है, पर हमारा नहीं आ रहा ना, तो हम इसे थोड़ा सा ठीक करेंगे पीछे। फिर से हम उतना ही रखेंगे जितना हमें चाहिए। तो हमने अब इसे छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद अब हम इसे लेके जाएंगे वहीं तक जितना हमें चाहिए, मतलब मुझे यहाँ तक चाहिए। तो हमने इसे दबा दिया। अब देखो ये स्क्वायर शीट जैसा लग रहा है, एक एनवलप की तरह, पर हमें इसे टेप लगानी नहीं है, इसलिए हम इसे बनाएंगे कि ये इसी के अंदर एडजस्ट हो जाए। अब हम ये वाला हिस्सा लेंगे, इसे खोलेंगे और जो चोंच हमने यहाँ बंद की थी, जो कॉर्नर यहाँ बंद हुआ था, उसे खोलेंगे और अपनी फिंगर से इसे अच्छे से दबा कर ठीक करेंगे इधर से। एंड देन ये हो गया इस तरह, ये खुल गया, बाहर आ गया। अब दूसरे साइड से भी हम इसका ये वाला साइड लेंगे और इसे भी अंदर से खोलेंगे और दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर ले आएंगे। अब ये ऐसे हो गया। अब हमारा जो ये वाला हिस्सा है, इस एनवलप को बंद करने के लिए इसके अंदर डाल देंगे और ये हो गया हमारा एनवलप सील। अब हमें कोई भी गम की नीड नहीं है इसे बंद करने के लिए, ये बंद हो गया। अब थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर लेते हैं इस पर, मतलब इसे सुंदर बना लेते हैं। तो हम अपना स्केच पेन लेंगे, तो इसके दोनों साइड पे इसके ईयर्स बनाएंगे। ईयर्स मतलब इसके हम कान बना रहे हैं। एक साइड पे बना लिया और ये बना लिया हमने दूसरे साइड पे। फिर अब इसकी आईज बनाएंगे। हमने इसकी वन आईज बनाई एंड देन हमारी इसकी टू आईज बनाई। आपने सोचा कि इतना डिस्टेंस क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इसकी आईब्रो आएगी छोटी सी। हमने इसकी आईब्रो बनाई। अब हम इसे आईज में डाल देंगे। इसकी आईज कैसी होती हैं, हम आईज भी डालेंगे इसकी। एंड देन हम इसके मुंह बनाएंगे। तो पहले हम इसका नोज़ बनाएंगे, जो बड़ा सा होता है इसका नोज़, और इसका मुंह, क्योंकि हमने इसे एक पिग बनाया है, ये एक पिग वाला एनवलप है। अगर आप चाहो तो इस पे किसी भी एनिमल का फेस बना सकते हैं। और अब इसके ईयर्स को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्योंकि ईयर्स का पता लगना चाहिए ना। तो हम इसे ईयर्स को हल्का सा डार्क कर देंगे पिंक कलर, क्योंकि पिगी हमारा पिंक कलर का होता है, इसीलिए हमने पिंक कलर की ओरिगेमी शीट यूज़ की है। तो आप इसे अच्छे से बंद करेंगे और ये हमारा बन गया एक छोटा सा एनवलप। अगर आप इसे खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। आप इसे उल्टा करेंगे और यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे, ये खुल गया।
वापस बंद करेंगे तो इसके अंदर इसे डालेंगे, इसके कॉर्नर बंद हो जाएंगे, देन ये बंद हो गया। अब ये अपने किसी भी आप फ्रेंड को दे सकते हैं। तो हमने बनाया एक छोटा सा स्मॉल सा ओरिगैमी एनवलप। थैंक यू।